अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। इस वीडियो में आपको सऊदी अरब में कोरोना के क्या हालात है वो शेयर करूंगा। और आपको ये वीडियो पूरा देखना है अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो या काम करने वाले हो या आओगे, क्योंकि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केस धीरे धीरे एकदम ही खत्म होने जा रहे हैं। तो आपके सामने सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो आज की रिपोर्ट है, जितने केस निकले हैं। आज आपको बता दूं कि 125 केस ही निकले हैं मार्च से, जो कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ पूरे दुनिया में। मैं सऊदी की बात करता हूं अगर, तो पहली बार है जो इतने कम केस निकले हैं। वैसे कल भी 139 निकला था और आज भी 125 केस निकला है, मतलब कि केस एकदम ही 0% पर है। लगभग मान लो कि बहुत ही नजदीक है ये खत्म होने पर, मतलब कि केस कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया अच्छी तरीके से सऊदी अरब में। तो इसके बारे में मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। उर्दू न्यूज पर बताया गया, अरब न्यूज पर यह बताया गया कि सऊदी अरब में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की जीत की घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। अरब न्यूज के अनुसार देश में कोरोना वायरस के 139, ये कल बताया गया था, वैसे आज तो 125 ही निकला है, नए मामले दर्ज किए गए। मार्च में कोरोना वायरस फैलने के बाद यह सबसे पहली बार, मतलब कि यह पहली बार है जो इतना कम केस निकला है सऊदी अरब के अंदर में। ठीक है, कोरोना वायरस के मामले में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करने के कुछ ही, मतलब कि कदम पीछे है ये सोच लो, मत एक दो कदम मान लो कि ये इस जगह पर ये आ चुका है 100% श्योरिटी। और यहां पर बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, अपने लोग हिंदी में मंत्री बोलते हैं ना, तो प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अल आली, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। वहां पर उन्होंने कहा है कि हम उन देशों में से हैं जहां मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, मतलब कि और भी कई सारे देश होंगे, शायद मुझे नाम याद नहीं है, जहां पर मामले बहुत कम है उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है, जो कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है उससे बस मतलब कि नियंत्रण में है, अपने काबू में आ चुका है अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा, मोहम्मद अल आली ने कहा, यह सफलता ऐतिहासिक है, उपायों के कार्यान्वयन, यह जो सफलता मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से ये सफलता मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बोल रहे कि कुछ ही दिनों में दवाई भी सऊदी अरब में आ जाएगा। यह ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन का पहला बैच और अमेरिकी कंपनी फायर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा, कुछ दिनों में सऊदी अरब पहुंच जाएगा, वो दवा सऊदी अरब में पहुंच जाएगा। अभी तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दवा आई नहीं है, ठीक है, राइट, बस अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, दवा अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है। तो ये आपको पहले भी मालूम होना चाहिए और अभी भी मैं फिर से बता रहा हूं, मालूम होगा आप लोगों को। तो ये सारा बात था जो मैंने आपको अभी बताया है, सऊदी अरब में कोरोना वायरस पर पूरा अच्छे तरीके से काबू पा लिया गया है, मगर रियाद में अभी भी केस निकलते हैं 50-60। तो ये मान लो कि हाईएस्ट लेवल में अगर देखा जाए तो रियाद में केस ज्यादा निकलते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहां पर अब जो स्क्रीन वगैरह टेस्ट करते थे वो भी अब कम होने लगा है। ये था अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कोई फ्लाइट की अपडेट है नहीं, तो हम क्या फ्लाइट के बारे में बताते रहेंगे। कोई टिकट विकट बुक मत कर लेना, क्योंकि कई सारे लोग आपको टिकट बोल रहे हैं कि हाँ मीटिंग हो गई, वो हो गई, वो हो गई, तो उस सब चक्कर में मत रहिए। अगर आपको अभी भी लगता है फ्लाइट के बारे में कोई अपडेट जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोज, एक दो वीडियोज होगी, वो आप जा करके देख लें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, किंगडम सऊदी अरब के जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा कारनामा दिखाया है। यहाँ की जनसंख्या देखो ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन यहाँ पर इतना पैसा है कि पैसे के बल पे सब कुछ हो जाता है। इसके लिए ये यह देश जो है आपको लगभग काबू में आ गया है। बाकी हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है, लगभग चल रहा है जिस तरीके से है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तरीके से कोरोना वायरस खत्म हो जाए मेरे भाई। बट सऊदी अरब में इन दिन तक बोलूंगा कोरोना वायरस के केस अब कुछ दिन में और भी घट जाएंगे, तो आप समझ लो कि ये जीत चुका है सऊदी अरब इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा। और वैसे भी हम सऊदी अरब में हैं, अगर दवा निकलती है सऊदी अरब में तो हम सभी को, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, जो भी देश के जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, सभी को फ्री में दवाई दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि केरला में ये बोल दिया कि हम दवा फ्री देंगे अगर दवा मिलता है, तो देखो क्या होता है। बाकी सऊदी अरब में तो भाई हम काम करते हैं, जो भी करते हैं, हम लोगों को दवा फ्री मिलेगा, मगर दवा के भी शायद साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, पता नहीं आगे देखते क्या क्या होता है। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। बार एक बार नहीं, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं भाई, ये कभी स्ट्रिक्ट होकर बात नहीं किए हैं ये लोग। और मोदी साहब बोलते हैं हमारे
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारा अच्छा रिलेशन है इंडिया बिटवीन सऊदी अरबिया। अरे अगर अच्छा रिलेशन होता तो फ्लाइट कब का चालू हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सीखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन लोग से सीखो यार। ये लोग कैसे हैं कि स्ट्रिक्ट होकर अपने वर्कर्स के लिए इतना सब कुछ कर दिए। 4 महीना पहले ये लोग चले गए। दुबई की गवर्नमेंट देखो, बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है, क्या है, घंटा है, कुछ नहीं है। ये लोग डर डर के बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, ठीक है, ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, बस टाइम पास कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, भाई फ्लाइट तो खुलने वाली है नहीं, बस ये लोग टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही। हर 4 दिन पे एक ट्वीट करेंगे, 4-4 दिन कर करके हमारा वैसे भी वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, रेजिडेंस परमिट वो भी जा चुका है, अब नौकरी भी जा चुकी ही है, ठीक है। आगे क्या करना है आप लोग देख लो, ठीक। मुश्किल अना कलाम सऊदी हुकूमत लाजिम हेल्प लाजिम सवा सवा कतीर नफर हिंदी मौजूद हुआ इबगा शुगुल इनता मालूम अना रिक्वेस्ट सऊदी हुकूमत लाजिम इफ्ता तैयारा कतीर नफर माफी फलूस माफी शुगुल माफी फलूस अकिल माफी कैफना अकिल बजूरा माफी कतीर मुश्किल हिंदी बस इंडिया गवर्नमेंट मा इबगा नफर बस सऊदी हुकूमत अना रिक्वेस्ट कि प्लीज़ फ्लाइट इफ्ता बाद इन कतीर नफर मौजूद हिंदी रोह सवा सवा शुगुल अना सवा सवा बर्दो शुगुल अना शुगुल सोया सगीर शिरका बस अना इबगा रिक्वेस्ट सऊदी हुकूमत प्लीज़ अना इबगा जॉब अना इबगा शुगुल अशरा शहर इंतज़ार कैफना अकिल या मुदीर प्लीज़ इफ्ता फ्लाइट गिव मी परमिशन अना अना इजी अना बादन अना शुगुल बादन एकामा खलास बादन वीज़ा एक्सपायर बादन एश फायदा अना इजी सऊदी अरबिया हिंदी माफी जॉब अना बजूरा माफी अकील नफर माफी फलूस कैफ रोह मदरसा अना रोह अना बजूरा कैफ रोह मदरसा या मुदीर प्लीज गिव मी परमिशन अशरा योम इंता इफ्ता फ्लाइट बादेन शक्कर बस अशरा योम कुल्लू नफर रोह शुगुल बादेन।